चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। द्वारका विधानसभा के दयाल पार्क वेस्ट सागरपुर में, वहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों की क्या राय है चुनाव को लेकर। बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम चमन सिंह है जी। बताइए चमन जी, ऐसा है जी, जब केजरीवाल जी आए थे उन्होंने कहा था कि जितने भी DTC के कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मैं उन्हें सबको पक्का कर दूंगा। पक्का करना तो दूर, उन्हें न वर्दी मिलती है, ना आने जाने की सुविधा है, और उन्हें भट्टा बैठा दिया कतई DTC का, लेडीज फ्री कर दी। हमने उनको राय दी थी कि भाई आप स्टेज बढ़ा के किराया कम कर दो, 5 रुपये 10 रुपये कर दो, और जो है 15 का ख़त्म कर दो, लाल वाली में 10 का कर दो और 20 का कर दो, 15 का 25 का ख़त्म कर दो, और छूट मत दो, उसमें सभी को छूट मिलेगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके वो फ्री कर दिया, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही कई महीने हो गए। तो आपकी विधानसभा में विधायक जी ने अब की बार क्या काम? विधायक जी तो आए नहीं यहाँ, जिस दिन जीत के गए थे उसके बाद जो उनके दर्शन ही नहीं हुए इधर। और उसके पहले वाले जो थे प्रद्युम्न राजपूत जी, उन्होंने जो काम किया वही काम था, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। सारी गलियाँ खुदी पड़ी हैं, बच्चे स्कूल आते ही, सामने MCD का स्कूल है, वो यहाँ घुटनों घुटनों पानियों में निकलते हैं, बहुत बुरा हाल है, रोज गिरते हैं, रोज किताबें खराब होती हैं उनकी। बार किसको देखना चाहेंगे? आपकी बार जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट लगेगी। क्या लगता है आपको द्वारका विधान? देखो, हमारे द्वारका में अभी स्थिति क्लियर नहीं है, और जहाँ तक BJP का, चूँकि प्रद्युम्न राजपूत जो है पहले भी विधायक रह चुके हैं BJP से, उनके कुछ फेवर में है, लेकिन टक्कर आपकी और BJP में ही होगी। आम आदमी पार्टी के तो जो विधायक जी थे वो तो कांग्रेस में चले गए। हाँ, वो कांग्रेस में चले, उनको टिकट नहीं दिया उनको, उन्होंने केजरीवाल ने उनका टिकट ही काट दिया। जब उनको उन्होंने काम नहीं किया या किस वजह से? ये तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो जिस वजह से उनका टिकट कटा वो मैं नहीं बता पाऊंगा, चाहे थोड़ा बहुत जानता भी हूँ तो वो मैं नहीं बोलूँगा। आपकी बार कौन पसंद रहे? हमारा अगर पूछो तो हमारा तो इधर से प्रद्युम्न राजपूत का ही ज़्यादा चांस। उन्होंने कैसा काम किया? वो तो 5 साल घूम रहा है, उसकी तो गुमशुदगी लिखी जा रही है। अच्छा, तो उसमें कांग्रेस में चला गया, उसके पहले जो है यहाँ पर प्रद्युम्न राजपूत की, प्रद्युम्न ने काम करा है, अब भी वही आएगा। तो क्या लगता है आपको विधानसभा में कौन? BJP आ रही है, उसी काम का क्रेडिट ले रहे हैं। BJP आ रही है, गारंटी से आ रही है, कोई नहीं रोक सकता। उनका कार्यकाल कैसा रहा? किसका? प्रद्युम्न जी का बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, रोज मिलते थे। उसके बाद जो MLA साहब आए आदर शास्त्री जी, आदर शास्त्री तो 5 साल घूम रहे हैं, आज तक शिकल नहीं देखी, कोई बता दो शिकल देखी हो तो। यहाँ जीतने के बाद एक दिन भी आया हो तो बता दो, हमने उसकी शिकल नहीं देखी आज तक। BJP क्या लगता है आपको कि आपकी बार द्वारका विधानसभा के लिए कौन अच्छा रहेगा? प्रद्युम्न राजपूत। पहले उनका कार्यकाल आपने देखा है प्रद्युम्न राजपूत? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बड़े मिलनसार आदमी है, और ये हमने तो इनको जो आदर शास्त्री है इनको कभी देखा ही नहीं है गलियों में, वो तो खुद अकेले गलियों में घूमते रहते हैं। जो प्रद्युम्न राजपूत जी हैं वो तो गलियों में घूमते हैं, खुद देखते हैं क्या समस्या क्या नहीं है, इन्होंने तो हमें आके पूछा ही नहीं क्या है क्या नहीं है। आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस तीनों मैदान में हैं। हाँ, तो क्या लगता है आपकी बात? BJP ही क्यों? BJP काम करेगी ना, पहले भी किया है, अभी वो तो जो प्रद्युम्न राजपूत ने काम किए हुए हैं उसी का क्रेडिट ले रही है ये दोनों पार्टियाँ। ये आदर शास्त्री ने क्या किया देख लो, आप देख लो सामने। तो आपको लगता है पहले इनके पहले जो प्रद्युम्न राजपूत जीते उन्होंने काम किया? हाँ बिल्कुल किया। हाँ जी, हम जो है ना सागरपुर से बोल रहे हैं, हमने अपने विधायक जी को आज तक नहीं देखा, और उन्होंने पूर्व लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी बेकार कर दिया, इसलिए उसको तो आना ही नहीं चाहिए, और जो है इसको कभी वोट भी ना दे और ना भी देगी जनता। अबकी बार तो आम आदमी से उनको विनय मिश्रा को टिकट मिला है। विनय मिश्रा अलग बात है, बाकी जो है ना हम तो BJP के कैंडिडेट हैं, BJP को ही वोट देते हैं और हमेशा देंगे, देते रहे हैं। द्वारका विधानसभा के लिए कौन अच्छा रहेगा? हमारे प्रद्युम्न राजपूत जी बिल्कुल बढ़िया और कार्यकर्ता आदमी है, इसी को वोट देंगे, और ये हमेशा पहले भी रहे, और इन्होंने
हमारे यहाँ खूब काम किया। इलेक्शन में किसको देखना चाहेंगे आप? केजरीवाल को। और कोई पार्टी बीजेपी से प्रतिबंधी खड़े हैं, उन्होंने पहले कैसा काम किया या आपकी बार वो आते हैं तो कैसा काम करेंगे? पहले उन्होंने काम तो अच्छा किया, टैंकर के लिए जाते थे, टैंकर भेजते थे, पर वही परेशानी थी, ढो ढो के भरते थे मतलब। उसके बाद आम आदमी वाले आ गए, उन्होंने अब घर में मीठा पानी भेज दिया है सप्लाई का। क्या लगता है आपकी बार किसको पसंद करेंगे लोग? हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। आपका क्या नाम है? नरेश देवी। हाँ बताइए, आपकी बार जो है किसने अच्छा काम किया? अभी तक तो केजरीवाल को क्या मिली नहीं है वोट, नहीं है कि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूलों में भी बच्चों की बहुत सुविधा दी है, सब किसी में दिया है, ड्रेस व्रेस सारी चीज़ फ्री करी है, पानी भी दिया है, सारा कुछ किया है, लाइट बिजली का भी कम करा है, सारा कुछ करा है उसके। अरे आपकी बात, तीन लोग चुनाव में खड़े हैं, बीजेपी से प्रधानमंत्री खड़े हैं, आम आदमी से विनय मिश्रा खड़े हैं और कांग्रेस से आदर्श शास्त्री। जो पहले आदर्श शास्त्री जी थे वो आम आदमी में थे, हाँ तो अब की बार किसको पसंद करें? बस केजरीवाल को ही करेंगे अब की बार। क्यों केजरीवाल अच्छा काम है? अच्छा देखो, केजरीवाल आएगा तो आपके हर बार सबको जिता के देखा था, सबके काम देख लिए, एक बार उसको भी देखते हैं वो क्या करते हैं। वो तो पिछली बार आपकी बार रहे ही 5 साल। हाँ तो आपके फिर देखते हैं ना, आपकी बार तो काम तो अच्छा ही करा है ना, बस इनको देंगे केजरीवाल को। आज हमने दौरा किया द्वारका विधानसभा क्षेत्र के मंगलापुरी, नसीरपुर और सागरपुर वेस्ट का, जहाँ पर हमने आम लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी राय क्या है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार द्वारका विधानसभा की जनता किसे अपना वोट देकर उन्हें विजयी बनाती है। कैमरामैन गौरव के साथ विनय सिंह, ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।